सेल्फ एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना हम जैसे हैं जो हैं बहुत बढ़िया है। पता नहीं आज क्या हो गया है हम सबको कि हम खुद के टैलेंट अपने हुनर के लिए किसी और की पॉजिटिव कमेंट का इंतजार करते हैं। हम अपने आप को अप्रिशिएट करना भूल चुके हैं। हम शायद दूसरे के अप्रिशिएशन का इंतजार करते हैं कि जब तक कोई और हमें अच्छा नहीं बोलेगा हमें विश्वास नहीं होगा कि हम टैलेंटेड हैं। लेकिन सत्य ये है कि हर एक रूह जो शरीर में आज मौजूद है, जो इस धरती पर जन्म ले चुकी है, वो सब टैलेंटेड है। उन सब में वो टैलेंट छुपा हुआ है जो शायद ताह उम्र वो ढूंढ नहीं पाते हैं, या इस उलझन में उलझ के रह जाते हैं कि जब तक कोई और उस चीज़ को नहीं सराहेगा तब तक हम इस चीज़ को कैसे मान लें कि हमारे अंदर ये हुनर मौजूद है। क्यों ऐसा हो गया है कि हम सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। हम अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम दूसरों से उसकी अग्रीमेंट मांगते हैं या उम्मीद करते हैं कि कोई हमें पॉजिटिवली उस चीज़ के बारे में कुछ कहे। यदि कोई हमें नेगेटिव बोलता है या कमेंट गलत करता है तो हम दुखी हो जाते हैं, हम अपसेट हो जाते हैं, हमारे अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन और न जाने और कितनी नेगेटिव चीज़ें हमारे अंदर आने लगती है और हम जीना भूल जाते हैं। क्या दूसरों को खुश करना ज़्यादा ज़रूरी है? जब आप खुद खुश नहीं हैं तो आप दूसरों को खुश कैसे कर सकते हैं? ज़रा सोचने और विचारने वाली बात है। आप अपनी और दूसरों की ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए जो कर रहे हैं क्या वो ज़रूरी है? क्या ईगो ही सब कुछ होता है? क्या हम सब ईगो के लिए पैदा हुए? क्या हो गया है हम मनुष्य जीवन जो हम जी रहे हैं उसमें, क्या हो गया है हम सब मनुष्य को कि इस जीवन में हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं? हम इतनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं कि इस दौड़ में हम जीना भूल चुके हैं। हम सिर्फ इस चीज़ में लगे हैं कि हमें कैसे दूसरों तक अपने आप की चीज़ को एक्सप्रेस करना है और उसके ऊपर लाइक कमेंट्स लानी है। अब पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी तो निर्भर करती है ना किसी की इच्छा पे। आप पॉजिटिवली उस चीज़ को करिए ना, पर आप रिजल्ट क्यों सोच रहे हैं? जो होना है जो होगा उसके बारे में हम इतना क्यों सोच रहे हैं? व्हाई आर वी थिंकिंग मोर अबाउट रिजल्ट रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द परफॉर्मेंसेस? हम अपने कर्म के ऊपर ध्यान दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आत्मिक तरीके से हम सब टैलेंटेड हैं। हम सब की आत्माएं बहुत सारा भरपूर ईश्वरीय शक्ति लेकर पैदा हुई हैं। हम सब अलग अलग शरीर में ज़रूर हैं, शरीर एक दिन खत्म हो जाना है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ अमर है, क्योंकि आत्मा अमर है और वहाँ जहाँ से हम आए हैं वहीं हमें वापस जाना है, लेकिन शरीर यहीं रह जाएगा मृत्यु लोक में। हम सबको अपने कर्मों पे ध्यान देना है, हमें हमारे कर्मों को सही करना है, हमें जीना सीखना होगा क्योंकि हम जीना ही भूल गए हैं। हमारा हुनर हमारा है, किसी और का नहीं है, इसे किसी की एग्रीमेंट की ज़रूरत नहीं है। यदि अच्छा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छा ही कहेंगे। जो जलते हैं, जो आपके हुनर को देखकर अपने आप में कुछ जलन की भावना रखते हैं तो वो तो गलत ही बोल रहे हैं, लेकिन उनकी इतनी चिंता क्यों करनी है? आप अपनी मस्ती में मस्त रहें, अपने जीवन को एक सही दिशा दें, अपने आप को वैसे स्वीकारें जैसे आप हो। प्लीज़ एक्सेप्ट योर सेल्फ द वे यू आर। आप जैसे हैं आप वैसे ही रहेंगे। आपको सिर्फ सही के लिए बदलना है, अपने आप के लिए बदलना है, किसी और के लिए नहीं। और ये बदलाव कुछ अच्छा होने के लिए होना चाहिए यहाँ पे। लेकिन सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पहले अपने आप को स्वीकारें, अपनी खामियों से खुद लड़ना है। लेकिन अगर कोई खामी बताए तो उसके साथ उस चीज़ के लिए नहीं लड़ना है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमें ये समझना होगा कि चाहे ओपिनियन किसी का भी गलत हो या सही हो, हमारे लिए हमें रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव रखना है, क्योंकि ये विचार उसका है हमारा नहीं है। और इस चीज़ के बारे में छोड़ दीजिए सोचना कि वो क्या कहेगा या ये क्या कहेगा, हमें सिर्फ करना है। हमारा टैलेंट हमारा है और किसी का नहीं है। आप जो कर सकते हैं शायद वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं, और हर किसी में इस ताकत को ईश्वर ने जब हमें धरती पर भेजा होता है तो वो इसे पूरी तरह भरपूर तरीके से डालकर भेजता है।
मेरे प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे हैं दर्शना पचौरी को। मेरा नाम दर्शना पचौरी है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत सारे बढ़िया वीडियो को प्राप्त करें। मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि आपका लाइक करना, शेयर करना मुझे ताकत देता है, मुझे हिम्मत देता है कि मेरे हौसले को बढ़ाता है कि मैं और अपने विचारों को आप सबके साथ साझा कर सकूं, बांट सकूं, शेयर कर सकूं, ताकि जाने अनजाने हम किसी ना किसी के काम आ जाते हैं। हमारी बातें शायद हो सकता है किसी को प्रेरित कर दे और उसके जीवन को नेगेटिव से पॉजिटिव कर दे, नकारात्मक से सकारात्मक की बहुत ज़रूरत है। आज ये वक्त ऐसा आ गया है कि हमें मॉरल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और शायद कुछ बातें ही होती हैं जो सुनकर समझकर हम अपने आसपास के लोगों को सचेत कर सकते हैं सही जिंदगी जीने के लिए। सो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, एंड आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन है उसे आप ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि वो प्रेस करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल सकते हैं मेरे वीडियो के, तुरंत आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये बेल आइकन आप ज़रूर दबाएं, इसे आप ना भूलें प्रेस करना। ओके, सो हिट द बेल आइकन, जो लाल बटन है सब्सक्राइब का उसे आप ज़रूर दबाएं। आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ बताने की क्या ज़रूरत है, लेकिन ये बताएंगे नहीं तो आप मेरे साथ हमेशा के लिए जुड़ नहीं पाएंगे। तो जुड़ना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आपका जुड़ना मेरे हौसले को डबल करता है। सो दोस्तों, नए वीडियो के साथ मैं अगेन आप सबके साथ शामिल होंगी। तो नया वीडियो जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि जल्दी से जल्दी आप लोग के लिए मैं अपने चैनल पर लेके आऊं। एंड आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड प्लीज़ शेयर इट एंड हेल्प मी टू ग्रो माय ऑडियंस लाइक यू। आप जैसी प्यारी प्यारी ऑडियंस मेरे साथ जुड़ती रहें, मेरी बातों को सराहें, तो उसका जो सपोर्ट और जो ताकत है वो दुगनी होगी, तो नए नए विचारों को उड़ान मिलेगी और शायद किसी और को एक छोटा सा बिल्कुल एक लाइक सपोर्ट मिलेगा कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग। धन्यवाद।